अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। मैं आपको अपने चैनल लब कुशाई में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। लब कुशाई चैनल का तारुफ मैं एक दफ़ा फिर करवा देती हूँ। ये चैनल सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया कि हमारे जितने भी उर्दू लिखने वाले मुसन्निफीन हैं, उनकी जो भी तसानीफ हैं, उनको पढ़ा जाए और उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए। तो मेरी पिछली वीडियो में हमने शुरू किया हुआ था सफ़रनामा मुस्तसर हुसैन तारर साहब का गारे हिरा में एक रात। इसके हम तकरीबन चार बाब पढ़ चुके हैं और अभी हम पांचवें बाब से दोबारा शुरू करेंगे। पांचवा बाब कुछ इस तरह से शुरू होता है, बनु कुरैज़ा के आसार, हज़रत लुबाबा की पेशमानी। साईं, ये बनु कुरैज़ा का इलाका है। बनु कुरैज़ा यहूदी थे, साईं वो बहुत ताकतवर थे। वहाँ जिधर मौला बख्श ब्रेक पर पांव रखे बगैर गुजरता जाता था, वहाँ कोई आसार तो ना थे। एक दीवार के में खजूरों के चंद बूटे थे जो बनु कुरैज़ा के अगरचे कम तर लेकिन ताकतवर कबीले की उजड़ती निशानियाँ थी। यहाँ पे तुर्कों ने एक मस्जिद बनाई थी जो अहले नज़र ने ढाई थी, भला यहूदियों की निशानी क्या रखनी। जहाँ हज़रत लुबाबा आए थे, अल्लाह भला करे फ़कीर बाबा खुश हो गए। जी हाँ, जहाँ लुबाबा यहूदियों को समझाने आए थे और उन्हें इशारे से बता दिया कि तुम चाहे हथियार डाल दो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। इस राज को अफशा कर देने पर इतने शर्मिंदा हुए कि आप अपने आप को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सतून से बांध दिया कि जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी यूं ही बंधा रहूंगा। उन्हें सिर्फ नमाज के औकात में खोला जाता था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माफ़ी की खुशखबरी दी और उनकी रस्सियाँ अपने हाथों से खोली। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने उस सतून की शिनाख्त की थी और उसकी कुर्बत में नफल अदा किए थे और हज़रत लुबाबा की पेशमानी महसूस की थी। बनु कुरैज़ा की बस्ती मदीना के जनूब महरोज़ के करीब थी। अरबी में कुरैज़ा उस दरख्त को कहते हैं जो कि खास तौर पर चमड़ा रंगने के काम आता है। बनु कुरैज़ा का पेशा बागबानी के अलावा जूते बनाना और बेचना था, यानी मोची थे, और इसीलिए दीगर यहूदियों ने हकीर जानते थे। यहाँ मुझे तकरीबन 45 बरस का एक हवाला बनु कुरैज़ा का नाम सुनकर याद आया। इंग्लिस्तान में मेरा यहूदी हम जमात हुआ करता था। वो इतना ज़ीरक और वसी इल्म रखने वाला शख्स था कि हम सब मुसलमान उससे आजिज आ जाते थे, बहस नहीं कर सकते थे। और मुझे याद है कि वो मदीना के यहूदी कबाइल का जिक्र करते हुए बनु कुरैज़ा के दर्दनाक अंजाम का हवाला दिया करता था और कहा करता था कि याद रखो, मदीना दरअसल हम यहूदियों का यसरब था जहाँ से तुमने हमें निकाल दिया, और याद रखो एक रोज़ हम वहाँ वापस जाएंगे और हम सब पाकिस्तानी, सूडानी और अरब इश्ताल में आ जाते थे कि क्या बकवास कर रहा है। लेकिन अब इतने बरस बाद मैं सोचता हूँ कि हमारी जो हालत है, अगर इसराइल तहिया कर ले तो उसकी राह में कोई रुकावट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, अपने गमों गुस्से का इजहार करेंगे, एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे, कुछ गैर मुल्की इदारों रेस्तरानों की इमारतें जला देंगे, सदमे में आकर चंद सौ अफराद खुदकुशी कर लेंगे। इसके सिवा और क्या करेंगे? वही कुछ करेंगे जो बैतुल मुकद्दस के छिन जाने पर कर रहे हैं, और क्या करेंगे। बनु नज़ीर का मसला तो हल हो गया था, बनु कुरैज़ा का मामला अभी बाकी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना नायब नाबीना हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम को मुकर्रर फरमाया, झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और उन्हें एक दस्ता के साथ बनु कुरैज़ा की बस्ती की तरफ रवाना कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनु कुरैज़ा के कलह की दीवार के नीचे गिर उन्हें पुकारा, ए अबुल कासिम, क्या चाहते हो? बनु कुरैज़ा के सरदार ने फसील पर से पूछा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसालियत आमेज़ गुफ्तगू के बावजूद कहा, अबुल कासिम, आप इधर उधर की फजूल बातें ना करें, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं। जब मुहासरा तवील हो गया और बनु कुरैज़ा की मदद को और कोई कबीला ना पहुंचा, तो उन्होंने बनु नज़ीर वाली शराइत पर मदीना छोड़ देने की इजाज़त चाही। ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें गैर मशरूत तौर पर हथियार डालना होंगे। इसी मौके पर अबू लुबाबा ने अपने हाथ से अपने हल्क की तरफ इशारा करके और उस पर उंगलियाँ फेर कर यहूदियों को बताया था कि उन्हें हर हाल में कत्ल कर दिया जाएगा। बनु कुरैज़ा ने हथियार डाल दिए तो जंग के कवानीन के मुताबिक उनके इज्तमाई कत्ल का फैसला सादिर कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना के बाजार में लंबे और गहरे गढ़े खुदवाए गए। यहूदी मर्दों को टोलियों की सूरत में लाया जाता था और इन गढ़ों के किनारे बिठाकर उनकी गर्दनें उड़ा दी जाती थी। उनके बच्चों और औरतों को गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया। बनु कुरैज़ा के कितने अफराद को कत्ल कर दिया गया, इस बारे में इख्तलाफ है। ये तादाद 450 से 900 तक बताई गई है। ज़माने जदीद की तहकीक के मुताबिक बनु कुरैज़ा के सब मर्दों को बिला इम्तियाज़ कत्ल नहीं किया गया और ना ही उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया था, जबकि बाज़ इस बिना पर इस तहकीक को कबूल करने से इनकारी हैं कि कदीम माखज़ और सही असनाद के साथ बयान की गई रवायात यहूदियों के कत्ल की तस्दीक करती हैं। अलबत्ता ये मुस्तनद है कि बनु कुरैज़ा ने नहायत दिलावरी से मौत का सामना किया। एक यहूदी बूढ़े ज़ुबैर का साबित बिन कैस पर एक एहसान था, जिसके बदले में साबित ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी जान बख्शी की सिफारिश की, जो कबूल कर ली गई।
जुबैर ने अपने बुढ़ापे का हवाला दिया कि मैं इस उम्र में अपने बीवी बच्चों के बगैर कैसे जीऊँगा, उन्हें भी आज़ाद कर दिया गया और उसकी जायदाद भी वापस कर दी गई। और इस आज़ादी के बाद जब जुबैर के दरियाफ्त करने पर उसे यह मालूम हुआ कि उसके कबीले के तमाम दो सरदार कत्ल हो चुके, उसने साबित से कहा तो मेरे एहसान के बदले मुझे मेरी कौम से मिला दे, वल्लाह उनके बगैर जीने का कुछ लुत्फ नहीं, मैं अपने साथियों से मिल जाने का आरजूमंद हूँ, इतनी तखीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जितने वक्त में पानी से लबरेज डोल से प्याला भरा जाता है। साबित को दरख्वास्त कबूल करनी पड़ी और उसे कत्ल कर दिया। इसी तरह बनू कुरैज़ा की खातून हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठी बातें कर रही थी और खूब हंस रही थी। जब उस कत्ल की बारी आई, उसने छत से चक्की का एक पार्ट गिराकर हज़रत खलाद बिन सवेद को शहीद किया तो उसे पुकारा गया तो हंस कर बोली, खुदाई कसम मैं मौजूद हूँ। बकौल ही कल उसने नहायत दिलावरी से जान दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वल्लाह मैं उस औरत को नहीं बुला सकती जो मक्तल में खुशो खुर्रम आई और हंसते हुए अपनी गर्दन जला के आगे रख दी। बनू कुरैज़ा के तमाम मर्दों का इज्तमाही कत्ल और औरतों पर बच्चों को फरोख्त कर देने वाला मामला एक अरसे से इख्तलाफी चला आता है। इब्न कसीर के मुताबिक बनू कुरैज़ा ने ज़बरदस्त लड़ाई के बाद हथियार डाले थे और नहायत शुजात का मुज़ाहरा किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जब हमला किया गया तो बनू कुरैज़ा ने बड़ी जीदारी से मुज़ाहमत की थी और उसके सरदार बेखौफी और बहादुरी से लड़े थे, वो सिर्फ हथियार न डालने वालों को कत्ल किया गया था। बरकात अहमद ने भी बनू कुरैज़ा के मर्दों के कत्ल की तर्दीद की है और कहा कि मदीना उन ज़मानों में छोटा सा शहर था और उसके एक बाज़ार में इतने आदमियों कत्ल करके दबाने के लिए गढ़े खोदने की गुंजाइश ही ना थी। वो भी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नफीस तबीयत के इंसान आबादी के अंदर इतने आदमियों कत्ल करके दबाने का सोच भी नहीं सकते थे। मैं भी अपनी तबीयत को इब्न कसीर और बरकात अहमद की तहकीक के करीब पाता हूँ। हम बनू कुरैज़ा की बस्ती के आसार खजूर के चंद दरख्त वहाँ ठहरे नहीं गुजर गए, अलबत्ता तारीखी तलफात वहाँ ठहरे हुए हैं। खजूरों के झुंड में पोशीदा मस्जिद रानू ना के खंडर जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं। हम एक स्पार्ट सी वीरान बेरूह और ट्रैफिक से आ रही धूप भरी, माफ़ कीजिएगा मदीना की कोई भी सड़क बेरूह कैसे हो सकती है, लेकिन धूप भरी सपाट और ट्रैफिक से आ रही तो हो सकती है, तो हम उस पर जा रहे थे। बनू नज़ीर और बनी कुरैज़ा की बर्बाद बस्तियों के बाद हम उस पर सफ़र कर रहे थे जहाँ जब बाबा फ़कीर ने इम्पोर्टेड सेवन अप से मखमूर होकर बेसुरा लम्हा डकार लिया और बुड़बुड़ाया, बोला बख्श को दाएँ हाथ मोड़ लो। दाएँ हाथ पर शाहरा के साथ एक धूप में जलता चटियल मैदान था और उसमें कोई रास्ता ना था। क्यों मोड़ लूँ, बोला बख्श ने बेजारी से कहा। बाबा फ़कीर ने भी बराबर की बेजारी से जवाब दिया, मैं जो कहता हूँ कि मोड़ लो, वहाँ है क्या, बोला बख्श ने कार आहिस्ता कर दी। उधर मैदान के आगे खजूरों का जो बाग नज़र आ रहा है वहाँ कुछ दिखाना है साहिब को, उधर है क्या फ़कीर बाबा, मैंने पुश्तियाक होकर पूछा। मुझ में वही बेकरारी भर गई जो ना करतबा में चैन लेने देती थी और ना गरना था दमिश्क में मेरा दामन छोड़ती थी कि उधर है क्या, कौन सा खंडर है, ये शिकस्ता मेहराब किन ज़मानों की है, ये जो दर खुला है इसके पार क्या है, राख कुरेदते जाओ जस्तजू करते जाओ, शायद कोई ठेकरी मिल जाए, कोई सिक्का बरामद हो जाए। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये शहर सब के सब तो मदीने की शजर की कोंपले हैं, तो यहाँ कोई भी कह दे कि वहाँ कुछ है तो बेकरार क्या करे, यही पूछे कि उधर है क्या बाबा। मस्जिद अरानूना नूना नूना, फ़कीर पोपले मुँह से नूना नूना दोहराता गया। बाबा ज़रा मुँह दबा कर फिर से बोलो, कौन सी मस्जिद, उसने फिर वही कुछ नूना नूना कहा। बहुत बाद वतन वापस आया, जब आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के औराक में एक लफ्ज़ रानूना यकदम मेरे सामने आया। उस समंदर की सतह पर एक बादबानी कश्ती तैरती थी, उसके बाद मान पर रानूना लिखा हुआ था। मैं बता नहीं सकता कि यकदम रानूना का हवाला दरियाफ्त करके मेरी क्या हालत हुई। मैं अपनी स्टडी सूट का किचन में गया जहाँ मैमुना दाल चावल बनाने में मसरूफ़ थी और मैंने कहा, मैमुना तुम्हें याद है कि बाबा फ़कीर हमें एक मस्जिद के खंडर तक ले गया था जिसका नाम वो नूना नूना बताता था, वो रानूना है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आमद पर पहली नमाज जुम्मा अदा की थी। मॉर्टल लिंग्स ने इसका हवाला दिया है, लेकिन उस लम्हे में उसकी अहमियत से आगाह ना था जब फ़कीर बाबा नूना नूना बुड़बुड़ा रहा था। तो वहाँ क्या हुआ था, होना क्या है, बाबा फ़कीर झला गया क्योंकि वो मौला बख्श के साथ बहस मुबाहसे से आजिज आ गया था और शायद उसे फिर से एक सेवन अप की तलब हो रही थी। यहाँ नूना नूना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी और कहा था कि जो शख्स इस मस्जिद में दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। मौला बख्श ने कार आहिस्ता तो कर दी थी, लेकिन उसे रोक देने पर मोड़ देना का उसका चंदा इरादा ना था। साईं हम भी तो बरसों से मदीने में हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों बार इधर से गुजरे हैं, तो मैं बताता हूँ उधर सिर्फ खजूरों का बाग है, कोई मस्जिद वगैरह नहीं, होती तो मुझे मालूम ना होता। क्यों बाबा फ़कीर, वो कुछ पुसमर्दा सा होकर बोला। हाँ नहीं है, बहुत बरस पहले जब इधर आया था तो बाग में मस्जिद के खंडर थे, शायद नहीं है, भूलता हूँ, ठीक है आगे चलो। मैं तो जस्तजू की कुंडी में फंस चुका था, मैं मौला बख्श को आगे जाने देता था, ज़रा चेक कर लेने में क्या हर्ज है, बोला साहिब अंदर कुछ भी नहीं है, मैं इधर आता रहता हूँ। है बाबा फ़कीर फिर इश्तराल में आ गया।
मुला बख्श, आप इधर स्टेडियम मैदान में गाड़ी उतार कर खजूरों के बाग के करीब ले जाओ, देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं, ना होगा तो ना सही। मुला बख्श ने बादल नफास्ता का शाहरा से उतारी, चटियल मैदान में धचके खाती चली और खजूरों को उस बाग के करीब जा रुकी जो चारों ओर से आहनी खंभों में तनी हुई जालियों के अंदर महफूज था। उसका वाहिद फाटक मुखफल था। मैंने आहनी जालियों को थाम कर उनमें दोपहर की हिद्दत बहुत थी बाग के अंदर झांका। शायद मौला बख्श दुरुस्त कहता था। अंदर मुख्तलिफ कामतों के दरख्तों का एक घना बाग तो था, कुछ रिहायशी कोठरियाँ थीं और चंद मजदूर उन दरख्तों तले काम कर रहे थे, और कुछ ना था। मौला बख्श इस पर आदत मुझ पर नजर रखने की खातिर मेरे पीछे पीछे चला आया था। मैमून और बाबा फकीर धूप से बचाव के लिए कार में आराम से थे। मौला बख्श आगे हुआ और आहनी जाली से नाक लगाकर बाग के अंदर बाग के अंदरून पर एक नज़र की और फिर खजूरों के दरख्तों तले काम में मसरूफ मजदूरों को मुखातिब करके सिंधी जुबान में एक हांक लगाई। दो तीन नौजवान मजदूर की हांक सुनकर कमर बस्ता हुआ आहनी जाली की जानिब, जिसके साथ नाके चिपकाए हम दोनों अंदर जागते थे, चलते आ गए। मौला बख्श नहायत बेतकल्लुफी से, जो कि उसकी खासियत थी, सिंधी में उनसे कुछ राजो नियाज किए, कुछ सवाल जवाब किए और मजदूर एक सिंधी भाई की आमद से अपने उस सोहने सिंध की बास महसूस करने लगे थे जिसे वो पापी पेट की खातिर छोड़कर इस बस्ती में आ गए थे। बेशक वो बस्ती मदीना थी पर सिंध ना थी। जब उनकी बाहमी गुफ्तगु अख्ताम को पहुंची तो मौला बख्श मेरी जानब देख कर मुस्कुराया। बड़ा काया फ़कीर है जो साईं जो कहता था सच कहता था। ये सिंधी भाई बताते हैं कि बाग के अंदर छुपी हुई एक मस्जिद है, उसके खंडर हैं, आप लोग ज्यारत करना चाहते तो हम फाटक खोल देते हैं। हमारा शेख किसी काम के सिलसिले मदीना गया हुआ है, अगर वापस आ गया तो बहुत नाराज़ होगा। आप लोग जल्दी से ज्यारत कर लो, बल्कि कार अंदर ले लो। मजदूरों ने कफल खोल कर फाटक वा कर दिया। बाबा फकीर कार में ही विराजमान रहा, उमता रहा। मौला बख्श सिंधी भाइयों के बाल बच्चे और वालदैन की हैरियत दरियाफ़ करने में मगन हो गया और मैं मैमुना के हमरा मजदूरों की कोठरियों से परे धूप में सूखती खजूरों से परे बाग के अंदरून में चला गया। वहाँ खजूरों के तनावर भी, बुलंद कामत और ठिगने भी, घने और छतरे भी, दरख्तों के दरमियान पोशीदा रोपोश एक सकूत भरी खामोशी में हवा का चलन मौकूफ था। सिर्फ धूप दरख्तों में से उतरती थी। वहाँ एक मुख्तसर खंडर के आसार थे, बिखरे हुए पत्थर गवाही देते कि इमारत कदीम थी। एक बड़े कमरे जितना खंडर हो चुका रकबा था और दो तीन दीवारें अभी जू की तू खड़ी थी लेकिन हमारे कद से ऊंची ना थी। उनके दरमियान चटाइयाँ पर बिछाई हुई खजूरें धूप में सूखती थी और इस खंडर के मस्जिद होने की गवाही एक मसमार हो चुकी लेकिन अब भी अपनी मेहराबी साख नुमायाँ करती मेहराब मौजूद थी। मैंने और मैमुना ने आपस में कुछ गुफ्तगु ना की। उस गैर मरूफ खंडर ने हमारी गोयाई छीन ली थी। बाबा फ़कीर के इस बयान ने गोयाई छीन ली थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कभी दुआ मांगी थी और कहा था कि यहाँ पर दुआ कबूल होती है, जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इसी मेहराब के मकाम पर नमाज़ पढ़ाई होगी, दुआ के लिए हाथ बुलंद किए होंगे। हम दोनों ने अपनी नज़रों से जायज़ा लिया कि हम कहाँ दो नफल पढ़ने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पत्थर बिखरे हुए थे, सूखती खजूरें मेहराब तक जाती थी। शेख के वारिद हो जाने का भी खौफ था। चुनाचा हमने उसके एक दीवार के पत्थरों पर हाथ रखकर वहीं खड़े खड़े फिर से वहीं कुछ मांगा जो हम मांगते चले आए थे। हम दोनों तन्हा थे। कुबा शहर मदीने से बाहर 6 मील पर एक अलहदा बस्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक सफ़र अबू बकर की मैयत में कुबा तशरीफ लाए और यहाँ चार रोज़ क़याम किया और इस वक्फा क़याम में यहाँ एक मस्जिद तामीर फरमाई। जुमा का दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में जो वादी रानुना में थी नमाज जुमा पढ़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमकाम कुबा उमर बिन औफ के मोहल्ले में दो चार और पंच शंबा तशरीफ फरमा लिए, उनकी मस्जिद की बुनियाद डाली। जुमा की नमाज़ आपने इस मस्जिद में अदा फरमाई जो वादी रानुना के दरमियान है। जुमा की पहली नमाज थी जो मदीना में आपने अदा फरमाई। वादी रानुना मदीना मुनव्वरा की एक वादी है जो वादी बदखान में आ मिलती है। जुमा की सुबह को वो कुबा से बाहर निकले और दोपहर के वक्त वो अपने साथियों समेत वादी रानुना में नमाज के लिए ठहरे। वहाँ कबीला खिजरज और बनी सालिब के लोग उनके मुंतजिर थे। ये पहली नमाज जुमा थी जो उन्होंने उस वतन में पढ़ी जो अब उनका घर था। उनके कुछ अजीज़ बनी नजार कबीले से थे और बनो अमर उनके हमरा कुबा से चले गए। यूँ उनकी कुल तादाद 100 के लगभग थी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा पर सवार हुए और अबू बकर के हमरा मदीना की जानिब रवाना हो गए। रानुना के मंदरजा बाला जितने हवाले हैं ये सब किस्सा वतन वापसी पर मैंने दरियाफ़त किए, लेकिन उस लम्हे जब मैं खजूरों के झंड के दरमियान बिखरे हुए पत्थरों को छूता था तो कतई तौर पर उनकी तारीखी अहमियत से आगाह ना था। बाबा फ़कीर ने बस इतनी खबर की थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी यहाँ दुआ की थी और यहाँ जो भी दुआ मांगे कबूल हो जाती।
थी, तब नहीं वापस आकर मैं बाबा फकीर का शुक्र गुजार हुआ कि मुझे ऐसे मकाम तक ले गया जहाँ कम ही लोग गए होंगे, जिसका तस्करा मैंने मौजूदा दौरे किसी किताब में नहीं पढ़ा था। यानी 100 के लगभग लोग गुबा से चले आते हैं बनू अमर और बनू नजार के, और उनके आगे कस्बा है जो छन छन करती चली जाती है, और उस पर सवार सुहन उस शहर को भरते हैं जिसने उनके उनके दरूद से यसरब से मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाना था, और रास्ते में रानूना की वादी है तो वह नमाज जुम्मा के लिए वहाँ ठहर जाते हैं जहाँ मस्मार शुदा मेहराब के आसार थे। वहीं कस्बा का सवार खड़ा हुआ होगा, क्या उन ज़मानों में भी उस मस्जिद के आसपास खजूरों का बाग होगा? और ये ऐन मुमकिन है क्योंकि खजूरों के पौधे नई ज़मीन में देर से जड़ पकड़ते हैं, ऊपर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़मीन को पसंद करें और खूब फैले और बेहतरीन नस्ल का फल पैदा करें। तो जिस मकाम पर खजूरों के दरख्त कामयाब हो जाते हैं, उनके पौधे ज़मीन से खुश होकर खूब फलते फूलते हैं, तो फिर वो बाग दर नस्ल चलते रहते हैं। बस्तियों के मकाम ज़रूरत के तहत बदल जाते हैं, लेकिन खजूर के कामयाब बागों कभी नहीं काटा जाता। यह सलमान फारसी के बाग के शजर तब तक वैसे ही फलते फूलते चले आए उसी ज़मीन में यह सलमान सींचा करते थे, जब तक कि शिर्क के खौफ ने उन्हें जड़ से ना उखाड़ फेंका गया। मदीने में भी जितने खजूरों के बाग हैं उनमें से बेशतर अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद थे। चुनाचा रानूना मस्जिद के खंडरों में खजूरों के जिस वसी बाग के अंदर मौजूद थे उन्हीं ज़मानों का था जब कस्बा का सवार अपने यार गार अबू बकर के हमरा उनके साय में रुका था और मदीने के नवाह में पहली नमाज जुमा अदा की थी। यहाँ लोग आते हैं, फयाज नाम का एक सिंधी नौजवान था जो चटाइयों पर खजूरें फैला रहा था। मैंने उससे दरियाफ़्त किया, नहीं साईं, वह मुस्कुराने लगा, इधर कौन आता है? आप तो मौला बख्श के साथ इधर आ गया, वरना हम फाटक नहीं खोलते। हमारा शेख ज़रा गुस्से का बुरा है, आप भी ज़रा जल्दी से देखो और चले जाओ, आप मेहमान हैं पर साईं हम मजबूर लोग हैं, पेट पालने के लिए शेख का गुस्सा सहते हैं। ये मस्जिद नूना नूना है क्या? नहीं मालूम साईं, इसी जगह पर कुछ है तो सही, हम इस खंडर के पत्थर नहीं हटाते, लोग ज़ियारत के लिए नहीं आते। नहीं साईं, ना सिर्फ मस्जिद के खंडर में बल्कि खजूर के दरख्तों के घनावट के नीचे भी ढेरों खजूरें सूख रही थी। बेशतर दरख्त कद आवर थे जैसे खजूर के दरख्त होते हैं, ऊँचे और पहुँच से बाहरी, लेकिन यहाँ कुछ नहायत भले लगते मुख्तसर कद के दरख्त भी थे। खजूर की एक कोई मिनीएचर नस्ल थी कि आप हाथ बढ़ाकर खजूरों के ज़्यादा गुच्छे तोड़ सकते थे या पाम के ठिकने पौधों की माने थे। बाग के बाहर हम जिस तपकी धूप को छोड़ आए थे उसमें दोबारा चले जाने और झुलसने को जी ना चाहता था। घने चेरवे पत्ते दोपहर की तमाजत को ऊपर ही ऊपर बर्दाश्त करते उसकी धूप को हम तक ना आने देते थे। अलबत्ता मस्जिद रानूना की ढके चकी दीवारें और मेहराब के आसार धूप में रोशन थे। उस बेनाम बेचेहरा वसीले शेख के आने का वक्त हो रहा था क्योंकि सिंधी मजदूरों के चेहरों पर परेशानी की घड़ी टिक टिक करती जाती थी। हमें आज भी शेख मिलता था, वसीला शेख ही मिलता था। हम उस कुंज रानूना से निकल आए, निकले तो फयाज और उसके दो साथी भी हमारे हमरा निकल आए। वो मस्जिद रानूना के फैले हुए खजूरों के बाग में से उतारी की खजूरों से भरी तीन पोटलियाँ भी ले आए और हमारे लिए कि साईं आप हमारे मेहमान हैं। फयाज ने हमें आगाह किया कि एक पोटली में अंबर किस्म की खजूरें हैं, दूसरी में कलमी खजूरें थी जो भारी और मीठी होती हैं और उन्हें उर्फ आम में कलमे वाली खजूरें भी कहा जाता है। तीसरी पोटली में कौन सी खजूरें थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में घुल जाने वाली उनकी मनपसंद अजवा खजूरें थी। हमने कार का ट्रंक खोल कर फयाज से कहा बंद पोटलियों किस में रख दे क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, तो उसने उनमें से एक पोटली अलग करके मैमूना से कहा बेगम साहिबा इन खजूरों को अपनी गोद में रख लें, शायद वो अजवा की पोटली थी या कोई और वजह थी। मैमूना ने वो पोटली थामी तो उसके चेहरे का रंग कुछ और हो गया, फिर उसने उस पोटली को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे सगी औलाद को एक मुद्दत के बिछोड़े के बाद गले लगाते हैं, और मदीना के क्याम के दौरान मजाल है जिसने उस पोटली को अपने से जुदा किया हो, अपनी गिरफ्त ढीली की हो। मैंने सबक पूछा तो कहने लगे जब उस सिंधी मजदूर ने दो पोटलियों को इत्मीनान से ट्रंक में रख दी लेकिन उस पोटली को थामे हुए मेरे पास आया कि बेगम साहिबा इसे अपनी गोद में रख लें, तो मैं जान गई थी कि आम नहीं किसी और मरतबे की खजूरें हैं। मुझे ख्याल है कि सिंधी मजदूर किसी न किसी भेद से आगाह है, क्या पता मस्जिद रानूना के गिर जो बाग है उसमें से कोई ऐसा दरख्त हो जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया हो और उसकी नस्ल की किसी दरख्त की खजूरें हों। अजीब ज़ईफ़ुल इत्तेकाद बेगम थी, उसने ज़िंदगी भर मुझे ऐसे नहीं संभाला जिस जहाज से वो उन खजूरों की पोटली संभालती थी। खजूरों के इस बाग को मकामी लोग बाग तुर्की भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता। जो तू दरियाए मैं है तो मैं खमियाजा हूँ साहिल का, बेरगर्ज के कुएं के पानियों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ और मेरी आंखें। अब जो सफ़र शुरू हुआ है तो बाबा फ़कीर एक जीता हुआ खिलाड़ी था जो एक चश्मे हकारत से हारवे मौला बख्श को देखता था कि मैं ना कहता था उस बाग के अंदर एक खंडर है नूना नूना, बल्कि वो हम पर भी मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था
और हम उसकी मरूबियत के ताबे होकर ज़रा जान की अमान पाकर पूछते थे, बाबा फ़कीर अब कहाँ जाएंगे? तो रौनत से बोला और असाकार के फर्श पर खटखटा कर बोला, कुएं पर जाएंगे। कौन से कुएं पर? आप सब्र नहीं करते तारड़ साहब, बात पूरी नहीं सुनते और बोल पड़ते हो। इधर मदीना शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों में बहुत से कुएं थे, मक्का तो नहीं था, मदीना था, और सुनो कि उन कुओं में अब तक मीठा ठंडा पानी है। अच्छा, मैं फिर नर्वस हो गया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्तों के कुएं हैं और 1400 बरस गुजर जाने के बाद भी उनमें अब तक पानी कैसे हो सकता है? इस बार बाबा फ़कीर ने मुझे बेसब्री का ताना ना दिया और इत्मीनान से, क्योंकि वो जीता हुआ था, कहने लगा, देखो उधर हमारे पंजाब में जिधर भी कुआं खोदो पानी निकल आता है, 5 पानियों में से किसी एक का पानी निकल आता है, पर इधर मदीने में बेशक बरकत है लेकिन आसपास तो सहरा है और प्यास है, तो इधर हर जगह पानी नहीं निकलता। इधर के लोग सिर्फ उसी मकाम पर कुआं खोदते हैं जहाँ से पानी रिसता था, मिट्टी या रेत गीली रहती थी। बाबा फ़कीर, पानी कैसे रिसता था, मिट्टी कैसे गीली होती थी? मैंने ज़रा आजी भी इख्तियार कर ली कि उसके पास एक खजाना था। उधर मदीने में कुदरती तौर पर ज़ेर ज़मीन चट्टानों और रेत के अंदर जहाँ कहीं पानी का ज़खीरा होता तो ऊपर की ज़मीन गीली रहती थी, उसमें से पानी रिसता रहता था। तो अहले मदीना सिर्फ वहाँ कुआं खोदते थे, इसलिए तब मदीने में कुल 15-20 कुएँ होंगे। उनका पानी कभी खुश्क नहीं होता था कि ज़ेर ज़मीन के जहाँ कहीं से भी आता था उसकी सप्लाई जारी रहती थी। यह जमजम का कुआँ है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के ज़माने में जितने भी कुएँ थे उनमें से जितने बाकी हैं उनका पानी अभी तक चल रहा है। इस मौका पर अगर चाहे डरते डरते अपनी हारी हुई इज्जत नफ्स की कुछ बहाली के लिए मौला बख्श ने हमें बताया कि उधर एक कुआँ ऐसा था जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे और लोग तबरत के तौर पर उसका पानी घर ले जाते थे। चुनाचा सऊदियों ने इसे शिर्क करार देकर उसे पाट दिया, मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया। उसके बावजूद उसका पानी सतह को गीला करने लगा और फूटने लगा, तो फिर वहाँ सीमेंट और बजरी की तह जमा कर बंद कर दिया गया, वरना वो तो बंद ना होता था। बाबा फ़कीर दुरुस्त कहता है कि इधर एक बार कुआँ खोदो तो हमेशा के लिए चालू हो गया सर, लेकिन हम किस कुएँ पर जा रहे हैं? सब्र नहीं करते, बाबा फ़कीर ने सिर्फ इतना कहा। ये एक और तकरीबन वीरान इलाका है, बहुत आबादी घनी आबादी वाला ना था, शाहरा भी वीरान थी, धूप की वजह से शायद या इधर आने वाले लोग कम थे क्योंकि ये शहर की गहमा गहमी से दूर था। रोको, बाबा फ़कीर ने कहा, और इस बार मौला बख्श ने कुछ तारुज ना किया और कार फौरन रोक दी। दाएं जानिब शाहरा से ज़रा हट कर एक तीन चार मंजिला सरकारी सी इमारत थी और हम कार से उतर कर उस इमारत के करीब हो गए। इस आस पास किसी कुएं के कुछ आसार ना थे, ना कहीं बैलों के गले में बंदी घंटियों की आवाज़ें थी, ना ही गिराहट के चलने का कोई मतवातर तरन्नम था, और ना ही पानी की शराबूर कहीं सरगोशी थी जो हमें खबर करती कि इधर आ जाओ। तो उसी लम्हे मजबूरन कार में इस्तराहत फरमाता बाबा फ़कीर असर टेकता हुआ बुड़बुड़ाता हुआ आ गया। धूप की तेज़ी में कमी नहीं आई थी, अक्टूबर के अवाइल की, फिर भी ज़बान सूखती थी। शदीद गर्मियों में जून जुलाई में तो यहाँ ज़बान पर कांटे उगाते होंगे, मदीने के मौसम इतने भी खुशगवार नहीं रहते। उस सरकारी इमारत के पहलू में एक छप्पर सा था जिस पर काट कबाड़ जमा था और उसके नीचे एक दीवार थी जो नीम गुलाई का तासुर देती थी। कुआँ इधर है साहिब, किधर है बाबा फ़कीर? ये जो छप्पर है इसके नीचे कुआँ है, जो गोल सी दीवार है वो कुएँ का हिस्सा है। पहले कुआं दिखाई देता था, अभी उस पर टीन का छप्पर पर डालकर बंद कर दिया गया। अभी पिछले साल में इधर आया तो दीवार में एक रोज़न था जिसमें झांक का इसके अंदर देखा जा सकता था, तो उसे बंद कर दिया गया कि लोग झांकते थे। क्यों झांकते थे बाबा? रिवायत है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से कुबा की बस्ती को जाते थे या वहाँ से लौटते थे तो ये कुआँ दरमियान में पड़ता था और उस स्थानी की खातिर यहाँ रुकते थे, मुटेर पर आराम करते थे, उसका पानी पीकर ताज़ा दम होते थे और फिर सफ़र इख्तियार करते थे। बाबा फ़कीर मेरी नज़रों में ज़्यादा मज़ीद मोतबर हो गया, लेकिन कुएँ तो बहुत थे, तो ये कौन सा वाला कुआँ है? मुझे अब भूल रहा था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी किताब में मैंने एक ऐसे कुएँ का जिक्र पढ़ा था जिसकी मुंडेर पर बैठ कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव उसमें लटका कर ठंडक महसूस करते थे, यानी कुएँ के पानी इतने बुलंद होते थे कि उनके पाँव छूते थे। एक और कुएँ के बारे में भी दर्ज है कि उसका पानी कड़वा बरामद हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुल्लू में पानी भर कर उसे मुंह में डाला, फिर कुल्ली करके उसे कुएं को बख्श दिया तो उसके पानी हमेशा के लिए मीठे हो गए। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि उनके विसाल पर उन्हें फलां कुएं के पानियों से गुसल दिया जाए और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उसी कुएं से पानी लेकर आए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते मुबारक को नहलाया। तो ये कौन सा कुआँ था? इसे मेरी लापरवाही ख्याल कर लीजिए या इसे एक जानाबूझा अमल समझ लीजिए कि मैंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद किताबों का मुताला करते हुए नोट्स तैयार ना किए थे, क्योंकि मैं इस तहरीर को तहकीक के हवालों से बोझल नहीं करना चाहता था और सिर्फ महसूसात और जज्बों को बयान करना चाहता था।
वरना मैं इस कुएं को फौरी तौर पर जान जाता। बहरहाल इसमें कोई शुबा ना आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर इधर से होता था। वह बहर तौर यहाँ रुकते थे। उन दिनों मदीना और कुबा के दरमियान एक नीम सहराई कैफियत हुआ करती थी, और वो जो चौड़े शानों वाले थे और जिनकी भवें घनी और आपस में मिली हुई थी, वो चलते थे तो तेज जैसे उतराई उतरते हुए चलते थे, और जिनकी पगड़ी में से उनके गेसु स्याह दिखाई देते थे तो वो यहाँ कुछ देर क्याम करते थे। और सामने वाले छप्पर तले जो पशीदा कुआं उसके पानी से प्यास बुझाते थे। जो एक खिड़की खुली थी उस कुएं में झाँकने के लिए तो वो भी बंद कर दी गई थी, तो उसका नज़ारा कैसे हो। हालांकि मैं तो कोई ऐसा अकीदतमंद ना था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोने धोने वाला ना था, कभी कभार मुस्कुराने वाला था, और शिरक करने वाला तो हरगिज़ ना, बल्कि शक करने वाला था। तो इसके बावजूद ही खिड़की क्यों बंद कर दी गई थी। मैं इस छप्पर और ईंटों की नीम गुलाई के करीब होकर उस धूप में खड़ा रहा। बाकी सब लोग कार में मुंतजर थे, सोचता रहा कि क्या करूँ, इन ईंटों को छू कर इत्मीनान हासिल कर लूँ जिनके अंदर जाने कोई कुआं है या नहीं। ये कैसी दीवार गरिया है कि उसके अंदर जो कुछ है उसमें झांक भी नहीं सकता। मैं इसी उधेड़बन में मुबतला था कि शाहरा पर से एक पुरानी कार उतरी और छप्पर से मुलहका सरकारी इमारत के करीब आन रुकी। कार में से पाकिस्तानी शबाहत के दो नौजवान उतरे। उन्होंने मुझ पर सरसरी निगाह की, मुझे पहचान के मेरे पास चले आए। इधर उधर की बातें करने लगे, कब आए, कैसे आए, और ये बराबर में एक पाकिस्तानी स्कूल की इमारत है जहाँ हम पढ़ाते हैं, तो आइए चाय का एक कप हो जाए। इस दौरान उन्होंने एक बार भी उस छप्पर की जानब निगाह ना की, तो मैंने धूप में खड़े जिस कदर मुमकिन था खुशदिली से उनके सवालों के जवाब दिए, फिर अपनी आमद का मकसद बयान किया। अच्छा, तो ये कुआं, वो ज़रा चौंकी। जी हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। जी शायद, शुनीद है कि दीवार में थोड़ी सी जगह हुआ करती थी जिसमें से झांक कर उस कुएं को देखा जा सकता था, और अब वहाँ ईंटें चुनती नहीं हैं। हाँ जी, एक नौजवान बोला, ताड़ साहब लोग इसमें झांक कर पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते थे और शिरक के मुर्तकब होते थे। इसलिए भाई, मैं तो कोई रासिखुल अकीदा किस्म का बंदा नहीं हूँ, महज तारीखी तजस्सुस का मारा हुआ बेशक शख्स हूँ। बस एक नज़र इस कुएं में झांक कर कुछ पुराने ज़मानों की ठंडक महसूस करना चाहता था। कुबा जाते हुए साहब यहाँ रुकते थे, उसके पानी पीते थे, तो महज तारीखी तजस्सुस, अब तो ये मुमकिन नहीं रहा। जी तो फिर इसके बाहर जो गुलाई है वो भी किसी कदीम दीवार की लगती है, तो इसे ही कुर्बत से देख लेते हैं। इन नौजवानों में आपस में कुछ खुसर खुसर की, अगर वो मदीने के एक पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाते थे तो यकीनन हुकूमत के तमाम इकदाम के आगे सर झुकाते, तो शायद अकीदे में भी उसकी पैरवी करते थे। इधर आइए, दूसरे ने सर झटक कर इशारा किया। वैसे उन दोनों को पहले पहल तो मुझसे मिलने का चाव था, लेकिन अब धूप की तेज़ी उनके चाव को निढाल करती थी, वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। कुएं के ये आसार एक दीवार से मुंसलिक थे, उसकी गुलाई का वो छप्पर ढकता था जिस पर कुछ काट कबाड़ पड़ा था। करीब एक छोटा सा पत्थर था जिसे एक नौजवान ने उठाया और कुएं की दीवार के साथ रख दिया। आप इस पर चढ़ जाएं, दीवार और छप्पर के दरमियान थोड़ी सी जगह, आप जरा कोशिश करके उसमें से नीचे झांक सकते हैं। मैं जान गया वह पत्थर यूं भी मकसद उधर नहीं पड़ा हुआ था, शायद यही नौजवान उसकी मदद से ऊँचे होकर कुएं में झांकते होंगे। उन्होंने आपस में खुसर पुसर की, इसीलिए कि उस शख्स को इसमें रास में शामिल किया जाए या नहीं। मैंने उस पत्थर को हिजरा असवद के तकद्दस से देखा, मुझे बहुत कीमती लगा। मैं दीवार को थाम कर उस पर चढ़ा तो जहाँ तक मेरी आंखें पहुँची वहाँ वाकई एक शगाफ था। मैंने ज़रा एहतियात से अपना सर शगाफ के अंदर किया, मेरा सारा बदन तो बाहर की धूप में था, लेकिन गर्दन तक जो मेरा चेहरा था वो शगाफ के अंदर की नीम तारीकी में चला गया, जैसे मस्जिद कुर्तबा में दाखिल होने पर रोशनी का वाहिद मंबा उसका फाटक बंद हो गया था, और मैं इस हजूम तखयल में एकदम नाबीना हो गया था, और आंखें सहने नारजिस्तान के धूप के बाद मस्जिद की नीम तारीखी से आशना होने से झिझकती थी, ऐसे मदीने की तेज़ धूप की चकाचौंध के बाद आंखें एकदम इस शगाफ के अंदर जो अंधेरा था उसमें खिली खुली तो बिना कुछ देखे खुली रही, और कुछ सावतों के गुजरने से इन्हें आदत हुई और कुछ कुछ नज़र आने लगा। कुएँ की गुलाई को ढांकने वाला छप्पर बहुत खस्ता था, और उसमें से धूप की चंद किरणें दीवार और छप्पर के दरमियान जो रखने थे उनमें से दाखिल होती थी, लेकिन अंदर की तारीकी पर उनका कुछ असर ना होता था। कुएं का वजूद जहाँ से मैं उसे देखता था तकरीबन 5 फुट नीचे था, यानी सतह ज़मीन के करीब। वो गुलाई जो बाहर से नज़र आ रही थी कुएं की ना थी, बल्कि उसके गिर जो हिफाजती दीवार थी उसकी थी। कुएं की मुंडेरें चौड़ी थी, मुस्ततील पत्थरों से तामीर शुदा जो गीले तो ना थे, लेकिन कहीं गहराई में से जो नमी सराहियत करती ऊपर आती थी वो उन पर असर करती थी। मुंडेर इतनी चौड़ी थी कि उस पर बासानी बैठा जा सकता था। पत्थरों की ठंडक महसूस करते हुए कुएं में टांगें लटका कर लुत्फ उठाया जा सकता था। मैं बाहर की धूप में रखे पत्थर पर अपने आप को संभाले, उस मुख्तसर शगाफ में जो एक पथरीला फंदा था उसमें अपनी गर्दन डाले अंदर मजीद से मजीद झांकना चाहता था, और मुझे लगता है कि उसी लम्हे मेरी गर्दन कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी कि मैं कुएं के काई ज़दा नीम स्याह मुस्ततील पत्थरों की गुलाई की गहराई में अपनी आँखें उतारता चला जाता था। बेशक मैं यहाँ रह जाऊँ, लेकिन मेरी आँखें उसकी तह तक उतर जाएँ, वहाँ तक जहाँ इसके पानी है, अगर हैं तो, और उन पानियों में से मेरी दो आंखें स्याह कियों की मानें तैरें, बेशक ये उम्र रसीदा और बसर मर्दा हैं।
उनके परों के रंग फीके पड़ चुके हैं, लेकिन जब उनको ये एहसास होगा वो किस पानी पर तैरती हैं जिस पर शायद बाबा के लब तैरे थे, उनके सांसों की गर्मी तैरी थी, तो ये नौखेज और रंग रंगीली हो जाएंगी, उस भंवरे के रंग की जो खाना काबा के स्याह गुलाब पर विराजमान था। वहाँ उसके परों तले खुदा का घर था और यहाँ उनके परों तले उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब तेरे थे। अब इसका फैसला करना दुश्वार है कि इनमें से इन हर दो में से ज़्यादा किस्मत वाला कौन है, वो भंवरा या मेरी आंखों की दो तितलियाँ। बेशक मेरी गर्दन लंबी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं कुएं के पाताल तक नहीं देख सकता था। मेरी नज़रों के सामने कुएं की पथरीली गुलाई का जो हिस्सा था वो 4 मीटर तक नीचे ही दिखाई देता था और नीम तारीकी में ही नजर आता था। इस हिस्से के पत्थर भी जिसामत में खासे बड़े थे और जहाँ जो आपस में जुड़े थे वहाँ वहाँ उनमें से कुछ पौधे और पत्थर पत्ते फूटते थे, जैसे हमारे हाँ पुराने कुओं की ईंटों के दरमियान में से पीपल के पत्ते फूटते हैं। हरी घास के दो लड़ियाँ लटकती हैं, इनकी नमूद गवाही देती थी कि पाताल में कैसी नमी है जो इनको सींचती है। उसी लम्हे एक नामालूम सी ठंडक से शराबोर हुआ, नहायत मदम और हल्की, जो कभी महसूस हो जाती और कभी वहमा लगती, ऊपर मुझ तक आई। वो मेरी लंबी गर्दन के आगे इश्तियाक से बेवकूफ़ होता जो चेहरा था उसे छूती खबर कर गई कि कुआं अभी तक नहीं सूखा, उसकी तह में वो पानी है जो तुम्हें यहाँ से नज़र नहीं आ सकते। अब मैं उस खबर करती हवा को कैसे आगाह करता कि तुम उस पानी पर तैरते जो सियाह तितलियाँ देख कर आई हो, वहाँ मेरी आँखें हैं। उस मकाम और उस लम्हे में जब मेरा पूरा बदन 2002 की धूप में था, वो मेरा चेहरा सन हिजरी के पहले साल में था, तस्वुर के ब्लैक बुक स्याह हिरन बेकाबू आए हुए थे। कलांचे भरते हुए उस मुंडेर के पास जाकर अपनी हिरन आंखें घुसवा के उस सवार पर धरते तो जो कुबा के रास्ते पर कुछ देर सस्ताने की खातिर, दो घूंट पानी पीने की खातिर वहाँ बैठा हुआ था, उन्हें अपनी आंखों पर अपने चश्मे आंखों पर नाज था तो उस मुसाफिर की आंखें देखकर शर्मिंदा होते थे। अपने बदन की मलायमत और खूबसूरती पर फख्र तो था तो उसके बदन को देख कर नादिम होते थे, थोतियाँ उठाए उसे हैरत से देखते थे, साहिब इस कुएँ से पानी कैसे पीते होंगे। यकीन उस ज़माने में उस पर एक चरखड़ी आवेज़ा होगी जिस पर एक रस्सी लिपटी होगी और उसके आखिर में चमड़े का एक बोका होगा और हमारे साहिब चरखड़ी ढीली करके बोके को पानी में डुबोते होंगे, फिर उसे घुमा कर ऊपर लाते होंगे, फिर पानी पीते होंगे। या यूं ही मुंडेर पर बैठे ज़रा झुक कर अपनी दोनों हथेलियों को दुआ के अंदाज में जोड़ कर उनमें से पानी भर लेते होंगे। मैंने ऐसे कुएँ देखे हैं जिनके पानी बरसात के दिनों में किनारों तक आ जाते थे। वैसे बेशक इस कुएँ के पानी पाताल में होते, इसके बावजूद अगर वो चाहते तो पानी तह की तारीखियों में से उबल कर इतनी बुलंदी पर आ जाते कि धूप से रोशन हो जाते और वो हाथ बढ़ाकर अपनी प्यास बुझा लेते। अगर वो इंसानों के साथ ऐसा कर सकते तो पानियों की तो कुछ हैसियत ना थी। मैं देख तो ना सकता था लेकिन जानता था कि उनकी आंखों की स्याह तितलियों का तह में मौजूद पानियों पर तैरते तैरते दिल ना भरता था। अगर उनका इख्तियार होता तो वहीं रह जाती, मैं उन्हें वहीं रह जाने देता तो उम्र भर देखता किस कैसे, इसलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया। वो फड़फड़ा कर फिर से मेरे चेहरे का हिस्सा बन गई, लेकिन उनके महीन पाँव और परों पर जो ज़रा बूंदें थी उस पानी को जिसमें तैर कर वो आई थी, जिसमें बाबा के हाथ तैरे थे, उन्होंने मेरे चेहरे को भी नम कर दिया। मेरा उजड़ा हुआ रूप रंगीला हो गया। मैंने एक गहरा सांस उस नीम तारी फिजा में से कशीद किया। उस कशीद का खुमार उम्र भर के लिए काफ़ी था और अपने चेहरे को मजबूरन बाबा के ज़मानों से जुदा करके उस शगाफ में से निकाल कर लम्हा वजूद की कड़ी धूप में ले आया। उस कुएँ का नाम ब्यूरेवर्स या ब्यूरेवर्स बताया गया और इस ब्यूरेवर्स के पानियों की प्यास अब तक है। तो सामेईन, हम यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। हम अगली वीडियो में अगले बाब से शुरू करेंगे जो होगा बरादरे बिलाल मस्जिद कुबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करती हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ और इस किताब को हम जारी रखेंगे और इसको पढ़ेंगे और इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सुनते जाना है और मेरे साथ रहना है। खुदा हाफिज़।